मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी में आज हम करेंगे वर्ण ढ। तो इससे पहले हमने प्रवेशिका की बुक में ऑलरेडी सीख लिया है, डन। तो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी CW बुक एंड ओपन पेज नंबर 4343। इसमें कौन सा वर्ण है? वर्ण ढ। तो इसकी हम प्रेसिंग सीखते हैं स्टूडेंट्स। सो टेक आउट योर पेंसिल एंड इरेजर। और सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं जो ढ से स्टार्ट होते हैं। तो चलो, ये कौन सा पिक्चर है? ढोल, ढ से ढोल। और ये ढक्कन, ढ से ढक्कन, डन। तो स्टूडेंट्स, चलो अभी हम हमारी प्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो, वर्ण ढ कैसे बनता है? स्टैंडिंग लाइन कर, और यहां से टर्न लेके अगेन कर, स्लीपिंग लाइन वर्ण ढ। चलो अगेन हम करते हैं, स्टैंडिंग लाइन कर, टर्न लेके अगेन कर, स्लीपिंग लाइन वर्ण ढ, ढ से ढोल, डन। नाउ अगेन स्टैंडिंग लाइन, पूरा ऐसे कर एंड टर्न लेके अगेन स्मॉल कर, स्लीपिंग लाइन, डन। सो कौन सा वर्ण बना? ढ। नाउ अगेन करते हैं और आपको स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, फिर कर एंड अगेन कर और स्लीपिंग लाइन ढ से ढक्कन। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट लाइन करते हैं। सो स्टैंडिंग लाइन कर और टर्न लेके अगेन कर एंड स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन करना आपको नहीं बोलना है स्टूडेंट्स। तो चलो फिर से, और स्टूडेंट्स स्टैंडिंग लाइन कर, टर्न लेके अगेन कर, स्लीपिंग लाइन वर्ण ढ। और स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही परफेक्ट ड्रेसिंग करनी है, डन। सो कौन सा वर्ण बना? ढ। अगेन हम करते हैं स्टूडेंट्स, और आपको पेंसिल उठाए बिना करना है ढ, ढ से ढोल। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, आप ऐसे भी कहीं पर प्रेसिंग नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको परफेक्ट ऐसे ही करना है। सो वर्ण ढ, ढ से ढक्कन। नाउ नेक्स्ट वन, स्टैंडिंग लाइन कर, टर्न लेके अगेन कर, स्लीपिंग लाइन वर्ण ढ, ढ से ढोल। नाउ लास्ट वन, स्टैंडिंग लाइन कर, टर्न लेके अगेन कर एंड स्लीपिंग लाइन, सो ढ से ढोल एंड ढ से ढक्कन। तो स्टूडेंट्स, हमने इतनी लाइन्स की, बाकी की लाइन्स आप अच्छे से कंप्लीट करना। और स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी HW बुक।